अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज, आज हम चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन सेकंड ईयर वाले में घबराना नहीं है। इसके पीछे पीछे सेकंड ईयर जो है उसकी भी वीडियो आ रही है। या तो मैं चैप्टर नंबर 15 का रिव्यू डालूंगा या मैं चैप्टर नंबर 1 और 2 का रिव्यू डालूंगा, तो डोंट बी वरीड गाइज। तो चैप्टर 5 जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। अच्छा यार, कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर वॉइस सही नहीं आ रही, कम वॉइस होती है, आप ऊंची आवाज़ में बोला करें। तो बच्चे, मैंने तो माइक लगाया होता है और बड़ी ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। आपने अपने डिवाइस से आवाज़ बढ़ा लें, और यूट्यूब के ब्राउज़र पर भी वॉल्यूम का ऑप्शन होता है, आप वहाँ से भी वॉइस इसकी थोड़ी सी बढ़ा लें, या फिर अगर आप हैंड्स फ्री यूज़ करते हैं तो अपनी हैंड्स फ्री चेंज कर लें, अच्छी वाली हैंड्स फ्री ले लें। अच्छा गाइज, तो जो आप जो है ना इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, अच्छे वाला कमेंट करें। नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, चैप्टर 5 के नोट्स भी आपको मिल सकते हैं जो है अली फोटोकॉपी सेंटर से, और जो है मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मैंने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लें। तो चैप्टर 5 थोड़ा लेंथी है, इसका रिव्यू थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम फटाफट चैप्टर नंबर 5 के रिव्यू की तरफ चलते हैं। तो गाइस ज़रा देखें, थोड़ा सा मैं इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा लूँ, साइज़ बढ़ा लूँ ज़रा, ये दैट्स फाइन। अच्छा गाइज, सब एटॉमिक पार्टिकल स्टार्ट में देखें, ये कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, ये ऑनलाइन वर्जन है, बुक का है आपकी वही बुक, बस थोड़ी सी इसकी जो है ना ये ग्राफिक्स और लेआउट चेंज है थोड़ी सी, तो आपने घबराना नहीं है। अच्छा जी देखिए, कैथोड रेज की डिस्कवरी, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये एक दफा ही आया हुआ पेपर में। ये जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है, दैट माइट बी अ लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन एक दफा ही आया है। अच्छा जी, इसकी डायग्राम जो है आपकी टेक्स्ट बुक में बनी है, आपने वही बनानी है, दिस वन। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज का, इसकी प्रॉपर्टीज 10 प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आ सकती हैं पेपर में, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर ये प्रॉपर्टीज भी एज ए लॉन्ग आ जाती हैं, तो इनकी डायग्राम्स चाहे आप ना बनाएं। अच्छा गाइस, जैसे आगे चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन वैसे आने का चांस नहीं होता, कम चांस होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसके आने का चांस कम होता है, बिकॉज ये नाइन्थ में भी आपने पढ़ा हुआ है, देन इसकी प्रॉपर्टीज भी आपने साथ ही लिखनी होती हैं। तो रीजंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है और इसका चांस कम होता है, लेकिन ये भी नाइन्थ टेंथ लेवल का काम है, तो आप इसको कर लीजिएगा। स्पेशली इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके ये यहाँ नहीं हैं, प्रॉपर्टीज़ में से कुछ ना कुछ आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या एमसीक्यू, तो प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छे तरीके से करना है गाइस। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब उसके बाद जो है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, गाइज इसके जो नोट्स हैं वो आपको सिंपली मुझसे भी मिल सकते हैं, जिसको चाहिए होंगे वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, बुक से भी वैसे इजी लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं भी इजी लिखा हुआ दे सकता हूँ ये। अच्छा जी, मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, गाइज ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत 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 अच्छे तरीके से करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम टीचर्स पेपर बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में यही क्वेश्चन आता है, यही हमारे स्टेटमेंट आती है। इसकी स्टेटमेंट हो सकती है, हाउ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैन बी मेजर्ड बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। तो ये जो है क्वेश्चन ए टू जी आपने सारा लिखना है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं आपने इसको किस तरह से मैनेज करना है इस क्वेश्चन को, तो वाया टेक्स्ट मैं बता देता हूं। यहां पर देखें कि इन 1901 मिलिकन डिटरमिन द चार्ज इन इलेक्ट्रॉन बाय अ सिंपल अरेंजमेंट, द अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक चैम्बर। अच्छा जी, सिंपल अरेंजमेंट, अब आप यहां पर क्या करेंगे, स्टार्ट में ही इसके ऊपर हेडिंग दे दें इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन मीन्स बच्चों होता है कि ये किस किस मटेरियल का बना होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे दें और इसको एज इट इज चलने दें, और उसके बाद जो है आपने ये सारा यहाँ तक लिखने के बाद, मतलब आप देखें यहां तक लिखने के बाद जहां फिगर का जिक्र किया गया, यहां तक लिख के, तो गाइज आपने यहां पर फिर पहले ये वाली डायग्राम बनानी है,
पेज के सेंटर में करके आपने अच्छी करके डायग्राम बनानी। ये वाली इजी है, बुक वाली थोड़ी मुश्किल है, तो आप इसको बना लें। ये बड़ी आसान डायग्राम है। आपने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के ये दो पैराग्राफ्स लिख के देन आपने यहाँ पर डायग्राम पेज के सेंटर में बनानी। फिर यहाँ से जहाँ लिखा अब फाइन स्प्रे, यहाँ से गाइज आप इसकी सेकेंड हेडिंग प्लेस करेंगे, दैट इज वर्किंग। यहाँ पर आप इसकी वर्किंग लिखते हैं, हेयर हेयर वी आर वर्किंग। यहाँ से इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो वर्किंग जो है उसमें फिर आप क्या लिखते हैं, वर्किंग में आप ये सारा आप फाइन स्प्रे से लेकर आगे एंड तक आप सारा ए टू जी इसका लिखेंगे यहाँ पर। एंड गाइज सारा यहाँ तक लिखने से आप यहाँ पर लिखेंगे बाई चेंजिंग द स्ट्रेंथ। इस जगह पे आप फर्दर हेडिंग दे सकते हैं, बाई चेंजिंग द स्ट्रेंथ इस पे आप हेडिंग दे सकते हैं। इसके अंदर आपने कंक्लूड क्या किया, कंक्लूजन। यहाँ पर जो मिलिकन था उसने कंक्लूड क्या किया, तो गाइस ये सारा आपने एंड तक लिखना है, स्पेशली द अमाउंट ऑफ द चार्ज तक। इसमें से कुछ भी आपने ड्रॉप नहीं करना। यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये लास्ट लाइन जो है ये आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, गाइस ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस जगह पे पूरा हो जाता है। गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, मॉर्निंग में आता है, मॉर्निंग में नहीं आए तो इवनिंग में आ जाता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। मैथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में आएगा। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, इनको देख लें नहीं देख लें एक ही बराबर है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, गाइस है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ये नाइन्थ लेवल का है तो ये यहाँ पर नहीं आता। तो इसका ना मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, इसको आपने टेकल कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए गाइज, सबसे पहले आपने यहाँ पर सबसे पहले ये जो स्टार्ट पे है, लेट मी एक्सप्लेन यू, यहां पर जो स्टार्ट पे हम बात करेंगे, जो सबसे पहले यहां पर आपने हेडिंग दे देनी है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की। इस जगह पे आपने हेडिंग देनी है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की हेडिंग दे दें। अच्छा गाइस, उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ लिखें। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर हेडिंग देंगे अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो ये तो खैर एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है ना, तो अ फोटोग्राफिक प्लेट सल्फाइड जिंक स्ट्रक अगेंस्ट द, हाँ ये सारी आप गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट ही लिखेंगे, डिटेल सारी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की लिखेंगे। इट वॉज ऑब्जर्व, जहां पर लिखा इट वॉज ऑब्जर्व्ड, यहाँ पर इससे पहले आपने डायग्राम बना देनी है। मतलब आपने क्या करना है कि लेट मी टेल यू, यहाँ तक पॉइंट was produced at that point, इतना लिख के गाइस आपने यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। देन आपने ये जो ऊपर डायग्राम बनी है, ये वाली डायग्राम ये आपने बनानी है। ये डायग्राम बनाने के बाद जब ये इट वॉज ऑब्जर्व दैट, यहाँ पर आपने लिखना है ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। यहाँ पर आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर आपने ऑब्जर्वेशंस की हेडिंग दे देनी है। इस जगह पे नया पैराग्राफ बनाए, ऑब्जर्वेशंस की हेडिंग दे दें आप। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशंस की हेडिंग दे दी। अब आ जाएगा इट वाज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वेंट थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, सम वर डिफ्लेक्टेड। यहां तक ये सारा आप इस जगह तक सारा लिख देंगे, न्यूक्लियस तक, कॉल्ड द न्यूक्लियस। अच्छा जी, ऑन द बेसिस जहां पर लिखा है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, गाइज इसके ऊपर आपने अब हेडिंग देनी है कंक्लूजंस की, कि आपने सारी डिस्कशन से कंक्लूड क्या किया, कंक्लूजंस। तो आपने कंक्लूड क्या किया, यहां पर कंक्लूजन की हेडिंग देनी है। एंड गाइज एंड तक फिर आपने इसको सारा लिख देना है। एंड पे देखें, इन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके डिफेक्ट्स हैं। इन रदरफोर्ड जहां लिखा है इस जगह से ऑनवर्ड, ये इसके डिफेक्ट्स हैं, और ये सारे डिफेक्ट्स एंड तक लिख के आपने ये डायग्राम भी बनानी है। तो गाइज उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, आपने ए टू जी सारा करना, लेकिन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। रदरफोर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं था, नाइन्थ लेवल का क्वेश्चन होने की वजह से कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। गाइज बोहर मॉडल की बात कर लें, तो यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी, डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल इन डिटेल, या डिस्क्राइब पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल या बोहर थ्योरी इन डिटेल। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके ये आपने पॉइंट्स लिखने हैं, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट है, तो गाइज इसका ना चौथा पॉइंट भी बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ तक आप लिखेंगे, उसके बाद E1, E2 के बारे में लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विद अ फिक्स एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा है कि
लेट मी एक्सप्लेन, ये जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, इस जगह पे यहां पर आपने इसका गाइस चौथा पॉइंट दे देना है, चौथा पॉइंट इस जगह पे आएगा और ये नए पैराग्राफ से आप शुरू कर दें। एम वी आर इज इक्वल टू, तो गाइस ये यहां पर चौथा पॉइंट हो जाएगा और इसको आपने एंड तक लिखना है, तो एंड तक लिखना है इस जगह पे, ये अगली हेडिंग से पहले पहले आपने सारा लिख देना। गाइज ये बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला तो मैंने आपको बता दिया मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, गाइज दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ है। दोनों में से एक मॉर्निंग में आ जाता है, एक इवनिंग में आ जाता है। आपने इन दो क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड वाला और सेकंड डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एनर्जी और रिवॉल्विंग रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसमें रेडियस पूछा जाएगा या एनर्जी पूछा जाएगा, लेकिन आपने रेडियस पे ज्यादा फोकस करना है, रेडियस वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा गाइज अब आपने क्या करना है, इसको ए टू जी सारा लिखना है। आपने यहां से स्टार्ट कर देना बाय अप्लाइंग दीज आइडियाज, दीज आइडियाज इसको छोड़ें, इस बात में कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, आपने यहां से फॉर अ जर्नल एटम यहां से लिखना शुरू करना है, एज इट इज आपने डायग्राम बनानी है, आपने ए टू जी सारा इसका प्रूव करना है यहां तक, ये जो खास तौर पर यहां तक लिखना है, आर टू माइनस आर वन इज ग्रेटर देन आर थ्री माइनस आर वन ग्रेटर देन आर फोर माइनस आर थ्री, ये सारा आपने लिखना है यहां तक। अच्छा गाइज ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बनता लॉन्ग है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये इजी लिखे हुए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, एक चैप्टर के नोट्स, चैप्टर फाइव के नोट्स। अच्छा गाइज इससे आगे चलते हैं जी, इससे आगे जो है आगे ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम बाज का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, डिफाइन स्पेक्ट्रम अलोंग विद इट्स टाइप, तो स्पेक्ट्रम को डिफाइन करें, उसके बाद आप आगे जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसकी टाइप है, फिर लाइन स्पेक्ट्रम की टाइप है, फिर लाइन स्पेक्ट्रम के आगे दो टाइप्स आती हैं, इसमें कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है। हाँ स्पेक्ट्रम की जो डेफिनेशन उसमें से आप इतना कर सकते हैं कि सबसे पहले आप ये स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन याद करें, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप ये स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन याद करें, हियर इट इज, आई एम गोना टेल यू, ये देखें आप विजुअल डिस्प्ले से लेकर एंड तक ये स्पेक्ट्रम तक ये इसकी डेफिनेशन। गाइस अब डेफिनेशन लिखने के बाद आप ऊपर वाले पैराग्राफ पे आ जाएं, यहां से द कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम से लेकर एंड तक आपने लिख देना है, ये लिखने के बाद इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने क्या करना है, ये इसकी टाइप्स लिख देनी है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, अगर लॉन्ग में नहीं आए तो इसमें से शॉर्ट जरूर आ जाते हैं। अच्छा गाइज उसके बाद ये दो टाइप्स होगी इसकी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये बाजार AES लिखा होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए, AAS लिखा होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए, तो इस बात को लेकर आपने परेशान नहीं होना। इससे आगे चलते हैं गाइज, ये डायग्राम भी आप दोनों की बनाएंगे और इसकी लास्ट वाला पैराग्राफ ये वाला आप पैराग्राफ स्किप कर सकते हैं, उसकी एक रीजन है कि ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ इनफैक्ट ऊपर वाली बातें हैं, ऊपर दी जो सारा एक्सप्लेन कर दिया गया नीचे इन बातों को रिपीट किया गया, तो इस पैराग्राफ को आप छोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है इसकी ए टू जी आपने ये सारा जितना लिखा हुआ जो आपके डिस्प्ले पे आ रहा है ये सारा करना है, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। और उसके बाद ये टेबल जो है टेबल आप रहने दें, ये वाला जो पैराग्राफ है इसकी आप पहली एक लाइन कर ले 1913 तक, बाकी छोड़ दें, और ये जो है ये पांच सीरीज है इनको टेबल को रहने दें। ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये करना है, दिस माइट बी अ लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग विद दिस डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं है। कंक्लूशन ऑफ वेव नंबर्स ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज बाय बोहर्स थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिंपल डेरिवेशन है ये आप कर लें, सिर्फ इसके मैथमेटिकल स्टेप्स कर लें, तो यहां तक एटलीस्ट ये यहां तक कर लें, लेट्स कैलकुलेट से पहले पहले। तो गाइज ये आगे इन कैलकुलेशंस को करने की जरूरत नहीं है, आगे डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल आएंगे। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब ये तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, पहला मैंने बताया मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, दूसरा मैंने आपको बताया रेडियस डेरिवेशन, तीसरा डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो ये चार पॉइंट्स हैं, चार नंबर का ये बहुत फिट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। गाइज एक्स रेज एटॉमिक नंबर, एक्स रेज में तो कुछ खास नहीं है लेकिन हाँ नीचे मोजलेज लॉ आ सकता है, ये देखें यहां पर लिखा है सिस्टम, सॉरी अच्छा गाइज जहां लिखा हुआ है सिस्टमैटिक असिस्टमैटिक कंप्रीहेंसिव स्टडी, यहां से लेकर एंड तक आपने सारा करना है। दिस माइट बी अ लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोजलेज लॉ की डेफिनेशन है जो यहां लिखी हुई है ब्लू इंक में, चाहे तो आप इस पैराग्राफ को उठाकर बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाए और बाकी सारा क्वेश्चन इसी तरतीब से लिख दें, इंपॉर्टेंस ऑफ मोजलेज लॉ भी और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है।
अच्छा वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, गाइस दिस इज आल्सो कॉल्ड डी ब्रोगलीज इक्वेशन। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपको नोट्स में से मिल जाएगा, आसान लिखा हुआ, यहां बुक में थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ है। गाइस अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आगे चल के इसके बारे में ना मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन और किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो वो नोट्स मिल जाएंगे तो उसमें लिखा होगा। अच्छा गाइस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर शॉर्ट है, इसको रहने दें, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ज्यादा शॉर्ट में इसका चांस होता है। आगे क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं गाइस, क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन, डेफिनेशन जो है इसकी ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज का एक सेट होता है, ये दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, क्वांटम नंबर्स आर द सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज व्हिच गिव द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये आप इसकी डेफिनेशन कर लें, इसके अलावा आप डायरेक्ट इसकी टाइप्स पे आ जाएं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ये आपने ए टू जी करना है, एजीमिथल क्वांटम नंबर भी लॉन्ग में आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट एजीमिथल क्वांटम नंबर है। तो चार क्वेश्चंस हो गए आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर वन मिल्कन ऑल्ड्रॉप मेथड, नंबर वन टू रेडियस डेरिवेशन, नंबर थ्री पे आ जाता है बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट, नंबर फोर पे आ जाता है एजीमिथल क्वांटम नंबर। तो ए टू जी आपने सारा करना है गाइस, ये टेबल भी बनाना आपने। अच्छा जी अब इससे आगे चले, तो इससे आगे लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है, आगे सारे शॉर्ट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लॉन्ग में आता नहीं है, वैसे ये है लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन ये आता नहीं है, स्पिन क्वांटम नंबर है ही शॉर्ट, इसमें से नहीं आता लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर है, ये भी लॉन्ग में नहीं आता, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से भी लॉन्ग नहीं आता। और गाइस उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में सारे शॉर्ट हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो गाइस दैट्स द रिव्यू ऑफ द चैप्टर नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, इससे अगली वीडियोस के शॉर्ट क्वेश्चंस पे बनेगी। तो गाइस और आप लोग जो है जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इसके साथ साथ आप लाइक भी करें और शेयर भी करें इसका लिंक जो है चैनल का, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो। और अच्छे वाला कॉमेंट भी आपने करना है, और मेरी वर्किंग कोशिश है बहुत तेज है लेकिन बच्चों फिर भी टाइम लग जाता है, आजकल आपको पता है कॉलेजेस में भी पीक डेज हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आपके मैं अब सैंपल पेपर्स भी अपलोड करने वाला हूँ आज से ही, अगले दो छुट्टियां तो मैंने अंधाधुंध वीडियोस अपलोड करनी, मेरा काम ही यही है। तो आप बस ये दो दिन चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।